अस्सलाम वालेकुम। शनाया देखो 110% न्यूज में बता रहे थे कि तुम्हारे ऑफिस पे अटैक हो गया, तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया, मुझे बताया क्यों नहीं? अम्मा काम डाउन, आप जानती हैं जब हम क्रिमिनल्स को एक्सपोज करेंगे तो वो हम पे अटैक भी करेंगे, थ्रेटन भी करेंगे, ये एक नॉर्मल बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फॉर गॉड्स सेक शनाया, इतनी बड़ी बात को तुम इतना लाइटली कैसे ले सकती हो? मैंने भी सारी जिंदगी अपनी कॉजेस के लिए फाइट की है, लेकिन जरूरी तो नहीं कि लड़ाई इसी तरह से लड़ी जाए, खतरे के बगैर भी लड़ी जा सकती है। अम्मा हर किसी का जंग लड़ने का अपना तरीका होता है, शायद मैं आपकी तरह पॉलिटिकली करेक्ट नहीं हूं, लेकिन आप खुद सोचें अगर हम पीछे हट जाएंगे तो क्या होगा? या यू आर राइट, कि मैं भी क्या करूं, औरत जब मां बन जाती है ना तो बुजदिल हो जाती है, मैं सारी दुनिया से लड़ सकती हूं लेकिन तुम खतरे में हो, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता मुझसे। अम्मा आप इन छोटी छोटी धमकियों से डर जाएंगी ना तो मेरे कदम अपनी मजबूती खो देंगे। यू आर माई बिगेस्ट सपोर्ट, आप ये बात जानती हैं, बस मेरे लिए दुआ क्या करें। घर पे कोई आया हुआ था? हाँ महनाज आई थी। महनाज आंटी आई थी, काफी टाइम बाद आई हैं, कैसी हैं? हाँ वो फहद ने PhD कर लिया ना, लंदन से आया। चलो PhD कर लिया उसने, वैसे बचपन से ही बड़ा ब्रिलियंट था। प्रपोजल लाई है फहद का तुम्हारे लिए। प्रपोजल मेरे लिए? यू आर जोकिंग राइट? नो आई एम सीरियस एंड आई थिंक यू शुड कंसीडर इट सीरियसली एज वेल। हाउ कैन यू इवन से दैट? आप अच्छी तरह से जानती कि मैं अजलान और अजलान का शादी का कोई इरादा नहीं है। मेरी बेटी सारी जिंदगी एक शराब का पीछा करती रही, मुझे कबूल नहीं है। सो आई थिंक ही इज अ नाइस गाय एंड यू शुड कंसिडर फहद। ओके फहद बहुत अच्छा होगा लेकिन वो अजलान नहीं है। मुझे क्यों देख रहे हैं अभी ऐसे? अच्छा ओके आई विल टॉक टू हिम।